कोविशील्ड देश में तैयार करके देश की रक्षा और सुरक्षा करना जीवन की, और दुनिया के लगभग 70 से भी अधिक देशों में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को भेजकर सहयोग करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। कृषि के क्षेत्र में व्यापक कार्य हुए हैं। एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना अभी शुरू हुई, जिसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश में 32 करोड़ से अधिक घरों में हर घर को नल, हर घर को जल योजना को पहुंचाने का काम किया गया है। बिजली देने की बात रही हो, चाहे पूरे देश में शहरी आवास हो, चाहे ग्रामीण आवास हो, लोगों को छत मिलने का काम हुआ है, तो लगातार। और सबसे बड़ा काम आपने देखा होगा कि एक जमाना 2 लाख करोड़ का पैसा किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। कहां 29,000 करोड़ का कृषि का बजट, कहां 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचाना, और वो भी 11.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंचाना। तो इस प्रकार से लगातार देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, किसान के हित के लिए, व्यापारी के हित के लिए, नौजवानों के लिए नई शिक्षा नीति लाने का काम करना, और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गरीब जनता को बहुत ही सहज और सरलता से कम पैसों में उनकी इलाज हो सके, उसके लिए जन औषधि केंद्र खोलने का काम बड़ी संख्या में किया गया। इसी प्रकार से लगातार पूरे देश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया जा रहा है। नए नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें आप कह सकते हैं कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुले, इसकी चिंता माननीय मोदी जी ने करने का काम किया है। जब सरकार बनी थी तो उस समय 2014 और 2019 का भी दोनों का आप करें तो धारा 370 को हटाने का काम एक ऐतिहासिक काम देश के अंदर हुआ। कश्मीर को जो अलग नज़र से लोग देखते थे, आज कश्मीर के अंदर एक शांति का माहौल है और कश्मीर में सारी सुविधाएं कश्मीर के लोगों को मिल रही हैं जो पहले कभी नहीं मिलती थी। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी माननीय मोदी जी के शासनकाल में जो कठिनाइयाँ थी उनको दूर करने का काम किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता साफ किया, और कल पिछले दिनों योगी जी ने गर्भगृह की ईंट रख के उसका प्रारंभ करने का काम भी साथ ही किया है। डॉक्टर अम्बेडकर जी के पंच तीर्थ बनाना, उनके सरदार पटेल जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अनेक प्रकार अटल जो टनल है उसको चालू करने का काम भी माननीय मोदी जी की सरकार में हुआ है। तो साथियों, ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर का जो विकास, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कभी दूसरे शासन वाले देखते भी नहीं थे, आज नॉर्थ ईस्ट में सड़कों का जाल बिछाने का काम, पुल का काम, जल जीवन मिशन का काम और मेडिकल कॉलेज का काम, तो नॉर्थ ईस्ट को भी एक अच्छी गति से वहाँ विकास करने का काम किया गया है। ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार, 8 वर्षों में देश निरंतर प्रगति करने का काम कर रहा है। और अभी पिछले दिनों दुनिया के समाचार पत्रों में ये आया कि अगर तेज गति से कोई देश आगे बढ़ रहा है तो वो भारत बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। युवा नेतृत्व के विकास के संबंध में भी अनेक काम हुए हैं, औद्योगिक विकास के लिए भी अनेक कार्य हुए हैं, और माननीय गडकरी जी ने जिस प्रकार से देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है वो भी अपने आप में एक उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। पीएम उज्ज्वल योजना हो, चाहे आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, और किसान क्रेडिट कार्ड जो किसान की मजबूती का और किसान के आगे बढ़ने का एक आधार है, तो क्रेडिट कार्ड ने किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव दिया है। और इसके लिए माननीय मोदी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन को भी साथ में रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड में मत्स्य पालन को भी आगे करने का साथ ही काम किया गया है। नीम कोटेड यूरिया देकर किसानों की जो एक लागत बढ़ती थी यूरिया के क्षेत्र में, उसको भी कम करने का काम किया गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा नैनो यूरिया भी दिया गया है, पहले बड़ा बैग लेके किसान आता था, आज एक छोटी सी बोतल में भी नैनो यूरिया के माध्यम से किसान को देने का काम किया गया है। अभी ड्रोन के माध्यम से खेती पर यूरिया का छिड़काव हो सके, इसके लिए भी सरकार ने ये काम किसानों के हित में किया है। माननीय मोदी जी ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार के काम करने के साथ ही काम किए गए। जनधन खाते खुलवाने के लिए लोग कहते थे कि ये खाते क्यों खुलवाए जा रहे हैं, तो जनधन खाते खुलवाए, आज पूरा जो किसान का काम हो, चाहे नौजवान का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत के मामले हों, आम जन के खाते में सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ जा रहा है। ये बड़ा बदलाव माननीय मोदी जी के 8 वर्ष के शासनकाल में साथियों करके दिखाया है।
और 23 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड देने का काम किया। सॉयल हेल्थ, हमारी हेल्थ की चिंता करने का काम तो हम करते हैं, लेकिन जमीन की भी हेल्थ कैसी है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ देने का काम किया। पहले गांव के अंदर किसी को नहीं पता होता था कि इसका हमारा मालिकाना हक क्या है जमीन का, उनको उनका मालिकाना हक देने का भी काम करने का काम किया। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000-15,000 रुपये के ऋण देना स्वनिधि योजना के अंतर्गत, हजारों नौजवानों के, लाखों नौजवानों के जीवन में जो हमारे रेहड़ी लगाने वाले हैं, पटरी लगाने वाले हैं, उनके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। वो छोटे स्तर पर चंबुल में रहते थे, जो लोग उनसे मोटी ब्याज पर पैसा लेके पटरी पर लगाने का काम करते थे, तो मोदी जी ने उनकी भी चिंता करने का साथियों काम किया है। इसी प्रकार मेडिकल स्टोर लगातार पूरे देश में खोले गए हैं। रेल, किसान रेल चलाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। कोविड के काल में बड़े बड़े उद्योग प्रभावित हुए, लेकिन किसान के कार्य को प्रभावित नहीं करने दिया गया। किसान रेल के माध्यम से आज किसान देश में उसको जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ जाने का काम, आज अपने माल को ले जाने का काम, उपज को ले जाने का काम आज किसान साथियों कर सकता है। 100 सैनिक स्कूल पूरे देश में खुले, इसकी भी माननीय मोदी जी ने घोषणा की, और आज अलग अलग स्थानों पर PPP मॉडल के माध्यम से सैनिक स्कूलों को खोलने का भी साथियों काम चल रहा है। मैं देश को नहीं छुपने दूंगा, ये नारा माननीय मोदी जी ने दिया। और आज आप देख रहे हैं यूक्रेन का मामला, आप देख लीजिए, यूक्रेन को और रशिया को कुछ समय के लिए युद्ध विराम करना पड़ा, क्योंकि भारत के हमारे जो पढ़ाई के लिए जो यूक्रेन में गए थे उनको लाने के लिए माननीय मोदी जी की ही पहल पर ये काम हुआ। और ये भी हुआ कि तिरंगा झंडा जो भारत का हमारा झंडा है, अन्य देशों के लोग भी अपने आप को बाहर निकालने के लिए तिरंगे झंडे को लेकर हाथ में उठाकर चलने लगे, तो उससे भारत का गौरव पता लगता है कि आज भारत किस स्थिति में साथियों ये पहुंचने का काम हो गया। बिरसा मुंडा हमारे जो भगवान हैं उनके लिए भी अलग अलग उनके स्टैचू बनाने का काम किया गया। साहबजादे जो हमारे हुए उनके लिए भी एक अलग स्थल बनाने का काम किया गया। तो मैं ये कह सकते हैं हम लोग सब मिलकर कि अनेक प्रकार के काम साथियों हुए हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधेयक जो पार्लियामेंट के अंदर लागू किया गया, और जो मुस्लिम बहनों को एक बड़ी तकलीफ हुआ करती थी, 3 तलाक बार बोल देना तलाक हो जाना, तो 3 तलाक पर भी कानून बनाने का काम माननीय मोदी जी ने ये किया, और हमारी मुस्लिम बहनों को एक बड़ा अधिकार उनके जीवन में देने का साथियों काम किया गया। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में सुधार हो, प्रौद्योगिकी में सुधार हो, देश में लगातार देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और माननीय मोदी जी ने अनेक प्रकार की योजनाएं हमको देने का काम किया है। आपको याद होगा कि 1200 रुपये में हमारी DAP की बोरी आती थी, वो 2400 रुपये हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर। तो 1200 रुपये की सब्सिडी देने का काम भी माननीय मोदी जी ने किया, जिससे किसानों को 50% का रेट उनको नुकसान हो सकता था, उसकी भी भरपाई माननीय मोदी जी ने करके दिखाई। तो इस प्रकार से स्टैंडअप इंडिया के अंतर्गत, मुद्रा योजना के अंतर्गत, MSME के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की योजनाओं में लोन देकर, नौजवानों को स्टार्टअप देकर अनेक प्रकार के काम देश लगातार ये किए गए, और प्रगति पर बढ़ने का काम इस देश ने किया है। तो हम यही कह सकते हैं कि लगातार विकास दर के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाने का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके कार्यकाल में क्या हुआ, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। तो किसानों के क्षेत्र में, नौजवानों के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में समूह जो बनाए गए जिसके कारण से हमारी महिलाएं सबल हो रही हैं, अन्य प्रकार के कार्य कोई भी आप क्षेत्र ले लें, और यही एक जो मूल मंत्र जो हमारे माननीय मोदी जी ने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर और अंत्योदय के मंत्र को लेकर मोदी जी ने इस देश को प्रभावी गति देने का काम किया है। और आठ साल के अपने इस शासनकाल के अंतर्गत भारत को दुनिया में एक अपनी अलग पहचान दिलाई है। गरीबी की जो एक रेखा बन गई थी उसमें बड़ी भारी कमी माननीय मोदी जी के समय आई, और आपने देखा करोड़ों लोगों को उनको आवास दिए गए, जहां कांग्रेस के शासनकाल में क्षणिक आवास मिला करते थे, आज करोड़ों हमारे साथियों को
आवास देने के काम माननीय मोदी जी ने किए, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत की गति लगातार बढ़ रही है। सांसद जी, फतेहपुर सीकरी ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र है, इसमें क्या विशेष काम हुआ? देखिए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र जब से बना है तो निरंतर वहाँ पर काम करने का काम किया गया है। सरकार ने पहले भी काम किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो विकास की गति बढ़ी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार ने सड़क बनाने के काम किए गए हों, चाहे ITI खुलने के काम हो, चाहे अग्निशमन केंद्र खुलने के काम हो, चाहे GIC खुलने की बात हो, चाहे स्टेडियम खुलने की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए जो पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स का विद हॉस्टल वो देने की बात हो, तो लगातार सरकार ने बड़ी सारी योजनाएं देने के काम किए हैं। और अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो केंद्र की सरकार ने माननीय मोदी जी ने दी है, जल जीवन मिशन में आगरा को जल जीवन मिशन से जोड़ा गया है। आगरा के हर ग्राम पंचायत में हर घर में नल योजना के अंतर्गत 6,779 करोड़ से आगरा के हर घर को जल पहुंच सके, वो भी गंगा जल। तो गंगा जल लाने का काम ये माननीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आगरा जनपद को और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र को करके दिया है। ये बड़ा ऐतिहासिक काम है। अकबर भी पानी की वजह से भाग के चला गया था पीठ दिखा के, जो अकबर कभी नहीं कर पाया, जो 500 सालों से कभी नहीं हुआ, जो माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। इस प्रेस वार्ता में सारे विधायक रहने थे, तो दो विधायक गायब हैं आपके? नहीं, कोई गायब नहीं है, ऐसा नहीं होता भैया। सबको कुछ न कुछ कार्य होते हैं, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना होती है। एक हमारे विधायक की समस्त बाहर है, आगरा में नहीं है, दो आगे, एक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मंत्री जी हमारे लखनऊ में अपने क्षेत्र में कहीं गए होंगे। हमारे दो माननीय विधायक आदरणीय छोटेलाल जी, आदरणीय बाबूलाल जी यहाँ उपस्थित हैं, माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारी प्रभारी जी बैठी हैं, सारे हमारे बहुत सारी बातें हुई। महंगाई में भाजपा थोड़ी बात कर रही है, तो सरसों का तेल नहीं मिला आदमी को, गेहूँ इतना महंगा हो गया, आटा नहीं मिल रहा है, गैस इतनी महंगी हो गई, उसकी बात आप थोड़ी। देखिए, पिछले दिनों आपने देखा होगा गैस पर कितना कमी भारत की सरकार ने की है, माननीय मोदी जी ने जो गैस का सिलेंडर आगे। देखिए, कुछ चीज़ें नीरज जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती हैं, और ये कह सकते हैं कि आज महंगाई के कारण श्रीलंका का क्या हाल है, आज महंगाई के कारण पाकिस्तान का क्या हाल है, आज महंगाई के कारण बांग्लादेश का क्या हाल है, लेकिन आज भारत में माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से कंट्रोल किया है और आम जन को सुविधा देने का काम किया है, काबिले तारीफ है। तो और निरंतर वो काम कर रहे हैं देश के लिए, जितना काम आदरणीय मोदी जी ने किया है आज तक कोई प्रधानमंत्री इस तरह पहले माननीय अटल जी ने करके दिखाया है। समान नागरिक संहिता का चल रहा है प्रस्ताव क्या? देखिए, समान नागरिक संहिता ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी देश के हित में होगा वो सब होता जाएगा, और मोदी जी वो सब निर्णय नहीं किए देश के हित में है। आपसे कहा था जो देश के हित में होगा उन सारे विषयों को मोदी जी लाएगा। 2024 की तैयारी को मान के चले, ये जो आपका ध्यान रखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव को लेकर तैयारी की दृष्टि से काम नहीं करती। इस देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो परिवारवादी हैं, जो वंशवादी हैं, जो अपने वंश और परिवार की राजनीति को टिकाए रखने के लिए राजनीति करने का काम करते हैं। ऐसे लोग जरूर चुनाव आने के समय सक्रिय होते हैं। आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार निरंतर समाज के लिए भी काम करता है, पार्टी के लिए काम करके देश को मजबूत करने का काम करता है। हम लोग कभी, हमारे लिए तो हर समय काम ही काम, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, ये देश महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की परिभाषा क्या है, मुझे थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है। आप वंशवाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वंशवाद की क्या परिभाषा? हाँ, मैं उसकी परिभाषा में बताता हूँ। अभी तक हमारे जितने भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए भारतीय जनता पार्टी, किसी का बेटा आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, ये वंशवाद की परिभाषा। आज अन्य दलों को आप उठा के देख लीजिए, वो एक परिवार की पार्टी बन के रह रही है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी से शुरू होती है, अखिलेश जी पे आ जाती है, तेलुगु देशम जी ममता बनर्जी चलाती है, DMK हो, AIMD हो, चाहे आपकी मायावती जी की पार्टी हो, कोई भी पार्टी, जगन रेड्डी हो, उनके फादर हो, सारी पार्टियों को आप उठा के देखिए,
उन्हीं के वंशवाद के अनुसार वो पार्टियां चल रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ बूथ का भी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, केवल भाजपा में। लेकिन बंटवारे वंशवाद नहीं चलता। देखिए, जो कार्यकर्ता पार्टी में काम कर रहे हैं वो किसी परिवार के हो सकते हैं और वो कार्यकर्ता है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उन पर विचार करेगी। हमारा बेटा बसपा में काम करने बढ़ी जाएगा।